पावर स्टार बॉम्ब सिंह पर पत्थर मारने वालों का नाम आ गया है सामने। बहुत जल्द होने जा रही है उनकी गिरफ्तारी। जैसा कि आप लोग देख पा रहे होंगे कि न्यूज़पेपर में भी ये खबर छप चुका है और साथ ही साथ उनका नाम भी बताया गया है और कहां के रहने वाले हैं वो भी बताया गया है। बहुत जल्द उन लोगों की गिरफ्तारी भी होने वाली है। जैसा कि आप लोग देख पा रहे होंगे लिखा है कि नगरा थाना क्षेत्र निकासी गांव में स्टेज शो के दौरान भोजपुरी गायक पवन सिंह पर पत्थरबाजी करने के आरोप में दो लोगों के खिलाफ पुलिस में नाम जद मुकदमा दर्ज किया है। आरोप है कि दोनों आरोपी ने पवन सिंह की छवि धूमिल करने के लिए जानबूझकर पत्थरबाजी की। इससे बवाल हुआ। आयोजक विक्रांत सिंह की लिखित तहरीर पर नगरा पुलिस के गांव के ही गणेश और मऊ जिले के हलदरपुर थाना क्षेत्र के कोही नोरा निवासी अमरजीत यादव के खिलाफ मुकदमा दर्ज किया है। पुलिस ने आरोपियों की गिरफ्तारी के लिए दबिश दे रही है। 6 मार्च को विक्रांत के भाई रणविजय सिंह के यहाँ बहुभोज कार्यक्रम था। जी आप सभी को बता दूं 6 मार्च को बलिया में पावर स्टार पवन सिंह का शो था और जैसा कि आप लोग भी वीडियो देखे होंगे कि पावर स्टार पवन सिंह पर जो कि किसी ने पत्थर से मार दिया था। और आपको बता दूं कि यहां लाखों की संख्या में लोग पवन सिंह के शो देखने आए थे और ज्यादा अफरा तफरी होती तो कहीं ना कहीं किसी का जान भी जा सकता था। तो दो लोगों का नाम सामने आ चुका है। एक का नाम है गणेश जो कि उसी गांव का रहने वाला था और दूसरे का नाम है अमरजीत यादव जो कि मऊ जिला का रहने वाला है। ये दो लोगों का नाम सामने आ चुका है। बहुत जल्द पुलिस इनको गिरफ्तार भी करेगी। फिलहाल में पावर स्टार पवन सिंह जो कि अपने एक्शन मोड में आ चुके हैं, दो लोगों पर जो कि केस दर्ज हो चुका है। तो ये रिपोर्ट कैसा लगा अपना राय जरूर ही कमेंट बॉक्स में बताइए और साथ ही साथ इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा लाइक कीजिए, ज्यादा से ज्यादा शेयर कीजिए।